नमस्कार दोस्तों, तो क्या आपको पता है क्वालकॉम ने आज चुपके से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस नाम का एक प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, जो कि कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल वाला स्नैपड्रैगन 888 उससे 20% ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आया है एआई में और सीपीयू पावर में। इस वीडियो हम देखेंगे ये जो स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 888 प्लस दोनों के बीच में क्या का एग्जैक्टली डिफरेंस है। और हर बार की तरह ये जो वीडियो मैं यूट्यूब में सबसे पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और एटलीस्ट एक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन 888 ये लॉन्च हुआ था 2021 क्वार्टर वन पे, और ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस ये आज शाम को ही लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर थ्री 2001 पे लॉन्च हुआ है। अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में एग्जैक्टली सेम 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, और दोनों पे जो कोर स्ट्रक्चर वो हमें मिलता है 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर हमें देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इधर आपको दोनों ही प्रोसेसर में 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और दोनों का ये जो कोर का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर वो दरअसल है सैमसंग। तो इसका मतलब दोनों प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। तो इधर से हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 888 में जितना ज़्यादा हीट होता है, ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस वो जो हीट प्रॉब्लम वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें तो इधर भी दोनों सेम, क्योंकि दोनों ही सीपीयू में क्रायो 680 सीरीज का कोर इस्तेमाल हुआ है। अगर हम दोनों के कोर स्पीड के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 888 प्लस दोनों पे एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स X1 कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A78 कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर आपको मिलता है। ये जो A55 कोर ये दोनों पे आपको मिलेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे, ये जो मीडियम परफॉर्मेंस A78 कोर ये दोनों पे आपको मिलेगा 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पे, लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस X1 कोर और ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस इसमें आपको मिलेगा 3.0 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो मतलब इतने देर बाद हमें सीपीयू के मामले में थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के रैम के बारे में। तो इधर आपको दोनों प्रोसेसर में एग्जैक्टली सेम डुअल चैनल LPDDR5 का रैम का सपोर्ट मिलेगा। दोनों पे जो रैम का स्पीड वो हमें मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज, और दोनों पे जो रैम का बैंडविड्थ मतलब जो मेमोरी बैंडविड्थ वो हमें मिलता है 51.2 GBPS। इसके बाद अगर हम दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो इधर भी दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के कैमरा के बारे में। तो इधर आपको दोनों ही प्रोसेसर में सिंगल कैमरा में 200 मेगापिक्सल तक, डुअल कैमरा में 64 और 25 मेगापिक्सल तक, और ट्रिपल कैमरा में 28 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलेगा। अगर हम दोनों के ISP मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें, इधर दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको स्पेक्ट्रा 580 सीरीज का ISP देखने को मिलेगा, और यही रीजन की वजह से दोनों का जो मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट या फिर कैमरा जो एल्गोरिदम वो भी एग्जैक्टली सेम, और ये जो दोनों ही ISP वो दरअसल है ट्रिपल 14-bit ISP। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ISP एग्जैक्टली सेम, तो इसीलिए दोनों पे आपको 8K वीडियो 30fps पे, 4K वीडियो HDR क्वालिटी में, और 720p स्लो मोशन वीडियो 960fps पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो इधर भी दोनों ही सेम, क्योंकि दोनों का ग्राफिक्स कार्ड भी एग्जैक्टली सेम, तो इसीलिए दोनों पे आपको अगर हम 4K डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा 60Hz तक, अगर हम क्वाड HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम हमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। दोनों पे हमें HDR10+ कंटेंट का सपोर्ट मिलेगा, और दोनों पे मैक्सिमम 8K HDR क्वालिटी में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के नेटवर्क के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 888 और 888 प्लस दोनों पे आपको 4G डाउनलोड स्पीड मिलेगा 3 GBPS तक, 4G में अपलोड स्पीड मिलेगा 422 MBPS तक, दोनों पे 5G का स्पीड मिलेगा 7.5 GBPS तक, और दोनों पे 5G में अपलोड स्पीड मिलेगा 3 GBPS तक। तो मतलब दोनों ही प्रोसेसर में जो 4G में डाउनलोड और अपलोड स्पीड वो भी एग्जैक्टली सेम। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के नेटवर्क के कुछ बाकी के फीचर के बारे में। तो दोनों ही प्रोसेसर में जो 5G मॉडेम वो हमें देखने को मिलता है 1.65G मॉडेम, दोनों पे ब्लूटूथ मिलेगा ब्लूटूथ 5.2, दोनों पे आपको वाईफाई 6E या फिर ट्राइबैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, और दोनों पे आपको नेविक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम है। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज़ जो कि ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन सैडली इधर कहना पड़ेगा क्योंकि इधर भी दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको एड्रीनो 660 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, दोनों पे जो ग्राफिक्स कार्ड का स्पीड वो हमें मिलता है 747 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ग्राफिक्स का स्कोर के बारे में, क्योंकि दोनों का ओरिजिनल जो ग्राफिक्स कार्ड वो भी एग्जैक्टली सेम, और दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम, तो इसीलिए सेंचुरियन मार्क में दोनों ने स्कोर किया है 131 के आसपास,
और एंटिटू जीपीयू में दोनों ने स्कोर किया है 320,000 के आसपास। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के एंटिटू के बारे में। आप देखिए क्योंकि दोनों के जो सीपीयू स्पीड बूस्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये जो एंटिटू स्कोर इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये जो स्नैपड्रैगन 888 इसका एंटिटू वर्जन 8 में स्कोर है 788,000 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस इसका एंटिटू वर्जन 8 में स्कोर है 810,000 से थोड़ा सा ज्यादा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के गिग में स्कोर के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 888 ने सिंगल कोर में स्कोर किया है 1135 और मल्टी कोर में स्कोर किया है 3794। क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 प्लस का जो हाई परफॉर्मेंस कोर जो कि है कोर्टेक्स X1 उसके स्पीड को इंक्रीज किया गया है, तो इसीलिए ये जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस वो होगा 1200 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस वो होगा एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इसका जो बाकी के कोर उसका स्पीड है एग्जैक्टली सेम। इसके बाद अगर हम फाइनली दोनों के AI स्कोर के बारे में बात करें, इधर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इधर स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 888 प्लस दोनों पे हेक्सागन 780 सीरीज का AI चिप इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो स्नैपड्रैगन 888 इसका AI में स्कोर है 26 TOPS और स्नैपड्रैगन 888 प्लस का AI में स्कोर है 32 TOPS। TOPS मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की उम्मीद है ये चीज देखकर कुछ समझ में आ गया होगा। दोनों प्रोसेसर 90% इक्वल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो सीपीयू का जो स्पीड उसे 20% इंक्रीज किया गया है, और जो AI कोर उसका स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, मतलब वही 20% के आसपास इंक्रीज किया गया है। और इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया में से ना Xiaomi ना Realme ना Red Magic ऐसा कोई भी कंपनी नहीं, Huawei का जो Honor सीरीज है, कहा जा रहा है कि Huawei Honor 3 नाम का एक स्मार्टफोन सबसे पहले Snapdragon 888 प्लस के साथ लॉन्च होगा। और क्योंकि Honor ब्रांड के अंदर है तो ऑब्वियसली इंडिया में भी सबसे पहले लॉन्च होगा। तो Snapdragon 888 और 888 प्लस के बीच में टोटल यही सारे डिफरेंस है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप Snapdragon 888 प्लस के साथ और कौन से हाई एंड प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।